अरे तुम क्यों आ गई है? चल तबीयत ठीक नहीं है, फिर आ गई है। ठीक नहीं है, मना रहा है ना तुमको। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मधु एंड संजय। तो आज मधु का तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं कुकिंग कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उसे स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम कई सालों से है और बीच में वो ठीक थी, लेकिन कल रात से उसका तबीयत इतना ठीक नहीं है, उसका बैक पेन बहुत जोरों से है। इसीलिए आज मैंने उसे कहा कि आप रेस्ट करो, लेट मी कुक समथिंग। हमेशा तो वही करती है, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन आज उसका तबीयत ठीक नहीं, तो मैं सोचा अगर कुछ पका लूँ। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मेरा बनाने का, ऐसा नहीं कि मैं अभी कम्प्लीटली न्यू हूँ। कॉलेज के दिनों में जब मम्मी यहाँ नहीं थी, गांव गई हुई थी, तो मैं ऑलमोस्ट लाइक 4-5 साल तक मैंने कुकिंग किया था। सो एक्सपीरियंस है, तो वो भी काम आ रहा है। तो इतना करती मेरे लिए, तो एटलीस्ट एक दिन तो मैं कर सकता हूँ उसके लिए। तो बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट बनाया अपने लिए, और कॉलीफ्लावर आलू का मैंने भाजी बनाया, रोटी बनाया, अपनी बेटी को स्कूल लेके गया, उसके लिए टिफिन तैयार किया। थोड़ा टायर्ड हूँ, अब लगता है कि उसके साथ मेरा भी थोड़ा सा कष्ट तो मुझे भी करना होगा, जब इतना वो कष्ट करती है पूरा होल ईयर, एटलीस्ट फॉर वन डे आई कैन मैनेज। तो आप भी जाके देखिए, थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि मतलब अभी कैसा फील कर रही है। आप लोग अधिकार है जानना कि वो अभी कैसी है, आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि तबीयत कैसी है। कर ले रहा हूँ, लेकिन उसकी तरह साफ सफाई नहीं कर सकता, हालत देख के मालूम चल रहा है। लेकिन क्या है कि सबको खाना पीना खा लेना जरूरी है टाइम पे, साफ सफाई तो चलता रहेगा, और इतना हम उससे मैनेज भी नहीं होता, फिर हमको अपने सबको लंच देने के बाद फिर हमको काम में भी जाना है, तो इतना ही कर सको काफी है, इससे ज्यादा मेरा होगा नहीं। तो किचन का हालत देखिए, मम्मी होगी तो मम्मी देखेगी तो मालूम नहीं क्या होगा घर में। मुझे ऐसा सफाई हो जाएगा, मम्मी की तरह सफाई नहीं कर सकता ना, तो इतना टाइम कोई नहीं। जाओ बड़ा फैला दिया, खाना पीना खाना ही नहीं खाना, तो फिर इतना साफ सफाई देखने से भी खाना पीना नहीं होगा। साफ सफाई नहीं, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम करो बस साफ सफाई। ठीक है, वो बर्तन पड़ा हुआ है, तुम लाइक करना, इतना बर्तन नहीं हो रहा, बस टाइम हो रहा है, खाना पीना करके तुम बुलाना। ठीक है, मम्मी को खिला देना, अच्छा हम खाना निकाले, मम्मी को लेके जाएगा, तुम देखते रहना। Thank you.
मेन्यू बन गया बोला ना घी डाला है क्या? डालू? देख रहे हैं मेरा सेवा बहुत हो रहा है, बहुत टेस्टी दाल बना है, उधर पापा भी खा रहा है। विंटर सीजन आ गया तो मेरा हाथ पांव का दर्द तेज हो जाता है, दवा खाती हूँ तो ठीक रहता है, छोड़ देने के बाद ज्यादा हो जाता है। तो कल नाइट से ही लग रहा था, सुबह में मैं उठ नहीं पाई थी बिस्तर से, तो सब वही किए हैं। आज बहुत परेशान हो गया, कोई है नहीं तो करना पड़ता है, कौन करेगा, बेटी भी नहीं करती, उसको आता नहीं है, और फिर स्कूल भी है। बहुत ही टेस्टी खाना मिला है आज खाने को, हमेशा मैं बना कर खाती हूँ।